इन्वेस्टर ओपन कर लेना है। इन्वेस्टर ओपन करने के बाद मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपको व्हाट्सअप स्टेटस पर अपने जो इंस्टाग्राम स्टोरी डालते हैं व्हाट्सअप स्टेटस पर किस तरह से डालें। तो दोस्तों यही आज का टॉपिक है, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों आपको स्टोरी पहले डाल लेनी है इंस्टाग्राम पर, पहले आपको व्हाट्सअप स्टेटस डालना है तो उससे पहले आपको स्टोरी डालनी पड़ेगी इंस्टाग्राम पर। तो हम डाल लेते हैं, तो आपने एक कोई सी भी एक पिक ले लेनी। तो मैं कुछ फिलहाल के लिए अपनी कोई दूसरी पिक ले लेता हूँ, कुछ ईयरली पिक ले लेता हूँ, फिर इसको डिलीट कर देता हूँ। ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है, एक सॉन्ग एडिट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ स्टिकर पर टैप करेंगे और म्यूजिक पर टैप करेंगे। तो यहाँ से आपको कोई सा भी एक म्यूजिक ले लेना है। तो दोस्तों मैं म्यूजिक ले लेता हूँ, जैसे कि यह वाला ले लेता हूँ, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं, हमें सिर्फ आपको ट्राई करके बताना है। तो दोस्तों हमने ले लिया, उसके बाद डन कर देता हूँ। इसको हम इस तरह से कर देते हैं, कुछ लगा देते हैं। ये लगाने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, सेंड टू पे टैप करना है और इसको हम शेयर कर देते हैं। मैं यहाँ से शेयर कर देता हूँ, उसके बाद नीचे रोटेट करते हैं और डन कर देता हूँ। तो दोस्तों हमारा पोस्ट हो रही है, हो चुकी है, मतलब ये हो चुका है, अपलोड हो चुकी है। अब इससे दोस्तों आपको क्या करना है, व्हाट्सएप स्टेटस डालना है। तो दोस्तों उससे पहले आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको प्ले स्टोर पर आसानी के साथ मिल जाती है। तो दोस्तों हम प्ले स्टोर में चले जाते हैं, मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ, प्ले स्टोर ओपन करते हैं। तो दोस्तों आपको सर्च बार में सर्च करना है स्टोरी शेयर फॉर इंस्टाग्राम, आपको टैप कर लेना है, उसके बाद सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको स्टार्टिंग में ही आपको ये ऑप्शन मिल जाता है ऐप का, तो इस पर टैप कर। तो दोस्तों मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा था, तो मैंने आपको कर लेना है, उसके बाद ओपन करना है। ये आपको आईडी दो चीज़ पूछेगा, एक तो आपको फेसबुक से ओपन करना है या इंस्टाग्राम से, आप जिससे भी आईडी बनाते हो यहाँ से आपको आसानी से कर लेना है। ये इतना ही प्रोसेस है, बाकी कोई सी प्रोसेस नहीं है। तो दोस्तों हमने जिस आईडी से हमने जो पिक अपलोड करी थी वो आपको पहले डाउनलोड कर लेनी, तो ये आपका ये पे है डाउनलोड करने का ही है। तो आपको यहाँ पर मेरे नाम से ले लेना है, आपके कोई से भी हो दोस्तों। तो दोस्तों हमने ये डाली थी, तो इस पर टैप करेंगे हम। तो दोस्तों आपको यहाँ पर फ्रंट पे ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर पिंक कलर का, तो इस पर टैप करना और इसे डाउनलोड करना। तो दोस्तों यहाँ स्टार्टिंग डाउनलोडिंग द मीडिया, अच्छा तो दोस्तों ये डाउनलोड हो रहा है, तो देख करके मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपको तीन लाइनिंग दिख रहा है, इस पर टैप करना है, यहाँ पर स्टोरी पे चल जाना है हिस्ट्री पे। तो ये दोस्तों हमारा डाउनलोड तो प्रोसेसिंग हो रहा है दोस्तों यहाँ से, ये दोस्तों प्रोसेसिंग हो चुका है, ये हमने डाउनलोड कर लिया। अब दोस्तों अब क्या करना है, अब यही वाला स्टेटस को हम किस पर ट्रांसफ़र करेंगे, व्हाट्सएप स्टेटस, व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप ओपन कर लेते हैं यहाँ से। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपको इधर रोटेट करना है, यहाँ पर इस पर टैप करेंगे और जो हमने वहाँ से डाउनलोड करा थे यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद आप यहाँ से कोई सा भी इमोजी लगा सकते हो इस तरह से, और इसे राइट के साथ टैप कर सकते हो, तो ये आपको यहाँ से आसानी के साथ हो रहा है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, तो आपको कुछ इसमें नया सीखने को मिला, कुछ अच्छा तौर से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो दोस्तों ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ, और दोस्तों हमारे चैनल पहली बार आए हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो तक जय हिंद, वंदे मातरम।